रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक हैं। दोनों ही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। शनिवार को दीपिका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रणवीर के लिए एक एप्रिसिएशन पोस्ट साझा किया। दीपिका ने पोस्ट में लिखा था, दीपिका को आज मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया जब वह नाग अश्विन की अगली फिल्म के लिए हैदराबाद जा रही थी। लिलॉक कलर का को ऑर्डर सेट के साथ व्हाइट क्रॉप टॉप पहने दीपिका को बॉस लेडी वाइब्स देते हुए देखा गया। अस्थायी रूप से प्रोजेक्ट के कहे जाने वाली इस फिल्म में प्रभास और अमिताभ बच्चन भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। दीपवीर के नाम से मशहूर दीपिका और रणवीर ने हाल ही में उत्तराखंड में अपनी शादी की तीसरी सालगिरह मनाई। इस जोड़े ने अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी सालगिरह के जश्न की तस्वीरें भी साझा की थी। रणवीर और दीपिका ने 14 और 15 नवंबर 2018 कोंकणी और सिंधी आनंद कारज रीति रिवाजों के अनुसार इटली में शादी की। शादी के बंधन में बंधने से पहले रणवीर और दीपिका एक दूसरे को 6 साल तक डेट कर चुके थे। दीपिका के पास अगले कुछ महीनों में कई हाई प्रोफाइल फिल्में हैं। वह 83 में पति रणवीर सिंह के साथ नजर आएंगी, जो 1983 में भारत की पहली क्रिकेट विश्व कप जीत पर आधारित है। दीपिका द इंटर्न में बिग बी के साथ भी काम करेंगी, जबकि फाइटर में उनके साथ ऋतिक रोशन हैं। वह शाहरुख खान अभिनीत फिल्म पठान में भी नजर आएंगी। रणवीर वर्तमान में द बिग पिक्चर नामक एक मनोरंजक क्विज शो की मेजबानी कर रहे हैं। द बिग पिक्चर में रणवीर बड़े पर्दे पर दिखाए गए दृश्यों के आधार पर सवाल पूछते हैं। इस बीच प्रतियोगियों को रणवीर के साथ अपनी जीवन की कहानियां भी साझा करने को मिलती हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात की जाए तो रणवीर जल्द ही कबीर खान की फिल्म 83 में दिखाई देंगे, साथ ही साथ रोहित शेट्टी की कॉमेडी फिल्म सर्कस और जयेश भाई जोरदार में भी अपनी भूमिका के लिए तैयारी कर रहे हैं। रणवीर करण जौहर की अगली निर्देशित फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी कब है। फिल्म में आलिया भट्ट, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, जया बच्चन, शबाना आजमी सहित स्टार स्टेट कास्ट है। आई